ईयर तो खत्म हो रहा है बट नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है और मार्च सीरीज के उतार चढ़ाव वाले एक्शन के बीच अब नई सीरीज के लिए आपका क्या नजरिया बनता है? अप्रैल की सीरीज कैसी रह सकती है बाजार के लिए? अप्रैल की सीरीज का आउटलुक अच्छा है दीप। वैसे देखा जाए तो तीन सीरीज के बाद चौथी सीरीज आमतौर पर खराब नहीं होती। मेरे ख्याल से पिछली बार शायद 20-25 साल में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार चार सीरीज नेगेटिव बंद हुई हो। तो अगर आज आप 17,300 के नीचे बंद होते हैं तो ऐसा रिकॉर्ड होगा कि लगातार चौथी सीरीज में आप नीचे बंद होते दिख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 17,300 पहुंचे ना पहुंचे 17,200 तो आज हम पहुंच ही जाएंगे, तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे में बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से सीरीज भी ठीक है। हाँ, जितना आप सोच रहे थे उतनी तेजी नहीं होगी, उसकी वजह भी सिंपल है। अगर ये अमेरिका का बैंकिंग संकट मार्च सीरीज में नहीं आता तो मार्च सीरीज में आप अच्छा कर ही लेते थे, वो थोड़ा सा आपका टल के अप्रैल की सीरीज में आया। तो अप्रैल की सीरीज को लेकर मैं थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव लेकर ही चल रहा हूँ, जिसकी बात हम गुरुवार को छुट्टी थी, तो बुधवार को हम बात करते थे, मंगलवार को हम बात कर रहे थे कि अब धीमे धीमे बाजार बेस बनाकर ऊपर रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जो इस सीरीज का आउटलुक है उसमें पहली चीज तो है कि बैंक निफ्टी का रोल ओवर जो हुआ है बहुत ही मजबूत है। 93% रोल ओवर बैंक निफ्टी में काफी लंबे समय बाद हुआ है, यानी कि बैंक निफ्टी को लेकर बाजार का मूल माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव होता दिखा है, पहली चीज ये। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है और वो ये कि FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 9% के आसपास आ गई है, यानी कि अब FIIs के लिए बहुत ज्यादा बेचने को बचा नहीं है। इसने मुझे ट्विटर पे सवाल भी पूछा था कि क्या जिस तरह क्रूड एक बार 30-35% नीचे चला गया, क्या FIIs की नेट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, नेट शॉर्ट भी हो सकते हैं, होने में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जब आप इन 8-10% की रेंज में आ जाए तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा बनते हैं, बिकवाली के चांसेस कम हो जाते हैं। सो FIIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी थोड़ी ओवरसोल्ड है, वो एक आपके लिए अच्छा संकेत है। अब जहां तक सीरीज का सवाल है, मुझे लगता है दो ही चीज आपको चाहिए, एक 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग और एक 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी का। अब ये दोनों क्लोजिंग जिस दिन मिलती, चाहे वो आज मिले एक दो दिन बाद मिले, तो आपको एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ जाएंगे। तो 17,200 और 40,000 के बेहद करीब आप 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर, 17,200 से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं, 125 पॉइंट नीचे। सो अगर एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग एक या दो दिन मिल जाती है, इसके ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, एक दो दिन की क्लोजिंग मजबूत क्लोजिंग मिल जाए तो आप मानने के ऊपर जा सकते हैं। अब 16,900 और 39,000 इन दो लेवल के नीचे बंद होने पर ये आपको कमजोरी का संकेत आएगा। तो 16,900 के नीचे आपको बंद नहीं होना है और 39,000 के नीचे बंद नहीं होना है। तो बैंक निफ्टी में तो काफी बड़ा कम्फर्ट है, 39,000 यानी कि यहाँ से 900 पॉइंट नीचे है, 16,900 यानी कि यहाँ से करीबन आपके लिए 200 पॉइंट नीचे। क्लोजिंग बेसिस पर आपको ये एक तरह से मान के चलना है कि ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और इस लिहाज से अप्रैल सीरीज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है दीप, वो मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन रखें और स्टॉप लॉस रखें, इन दोनों के साथ तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। ये बात हम परसों भी कह रहे थे, सोमवार को भी, मंगलवार को भी कह रहे थे, आज भी कह रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन एक है, 16,900 के नीचे बंद होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, 40,000 के नीचे बंद होगा बैंक निफ्टी तो एग्जिट कर लूंगा। तब तक उतनी रिस्क को ध्यान में रख के आपको तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। अब टारगेट क्या बन सकते हैं अप्रैल सीरीज के, 17,500 से 17,800 तक की रेंज मिनिमम बन सकती है। उसके बाद देखेंगे ग्लोबल मूड माहौल क्या रहता है। और बैंक निफ्टी में 41,200-41,500 के आसपास की पोजीशन बन सकती है। बीच में 40,500-40,700 के आसपास एक हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, उसे पार करके टिक गए तो 41,200-41,500 तक की यात्रा बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ कर सकता है। तो थोड़ा मूड माहौल पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है अप्रैल सीरीज के लिए। चलिए सर, अच्छी बात है, मूड माहौल नए वित्त वर्ष के लिए भी अच्छा बनते हुए दिख रहा है, नई सीरीज के लिए भी अच्छा बनते हुए दिख